Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So guys, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बिगनर्स फ्रेंडली मैं आपके साथ बताऊंगी कि आप लोग को आईलाइनर कैसे अप्लाई करना है. जो बिगनर्स होते हैं उन लोग को आईलाइनर लगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल. आप लोग को प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इजिली आईलाइनर अप्लाई करना आ जाएगा. सो आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगी कि आप लोग कैसे आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं. सो चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने बताया है आगे वीडियो में कि कैसे आपको आईलाइनर अप्लाई करना है. तो गाइस मैं यहाँ पे यूज करूंगी नायका का आईलाइनर. गाइस आप ना लैकमे का भी यूज कर सकते हैं. मेरे पास लैकमे का भी आप ये वाला यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नायका का यूज करूंगी. एंड गाइस आप चाहें ना तो आप वाला बिगनर है ना तो आप ऐसी पतली टिप वाला यूज करें, बिकॉज पतली टिप वाले जो लाइनर होते हैं ना ईजी लग जाते थे, इतनी ईजी एंड पतली एंड लग जाती है इससे. सो एंड आपको पता क्या करना है, आपको ये ऐसी लाइनर लेना है, देन जो एक्सेस होता है पहले से रिमूव कर लें ऐसे. तो आप इससे ना आपका प्रिसाइज आना लगता है. आपको रिकमेंड करूंगी कि मैं अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं. एक जेल आईलाइनर अप्लाई ना करें, बिकॉज जेल आईलाइनर अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है. आप लिक्विड आईलाइनर ले सकते हैं एंड आप ले सकते हैं पेन आईलाइनर. जो पेन वाला आईलाइनर आता है आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे अप्लाई करना होता है. एंड लिक्विड में भी आप थोड़ी प्रॉब्लम आएंगी, बट ये आपको प्रैक्टिस एंड पेशेंस की बहुत ज़रूरत है. सो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजी से लग जाता है लाइनर. सो आपको गाइस क्या करना है, पहले ना आपको ये लाइनर लेना है एंड मैं इसे पूरे रिमूव कर दूंगी बॉन्ड से. एंड कुछ आपको क्या करना है, जैसे आप अपने ये वाला हैंड लेके एंड इसे स्ट्रेच करके आप ऐसे भी लाइनर लगा सकते हैं. ओके एंड नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हैंड्स को ऐसे रख के ऐसे अप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए ईजी लग जाता है. बट मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी कि आपको कैसे आईलाइनर अप्लाई करना है. सो गाइस आप लोग को क्या करना है ना, जैसे आपको अपनी ये ऐसी बंद करनी है आंखें एंड देन आपको ना आगे से इनर कोनर से अप्लाई नहीं करना, बिकॉज कुछ लोग वही गलती करते हैं, इनर कोनर से लगाते हैं ना तो आपका लाइनर मोटा हो जाता है. बट या मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पहले सिंपल आईलाइनर कैसे अप्लाई करना है, पहले मैं आपको वो बताऊंगी, देन मैं आगे बताऊंगी कि आपको विंग आईलाइनर कैसे अप्लाई करना है. तो सबसे पहले आप ना अपनी एल्बो को भी ऐसे रख के एंड अप्लाई कर सकते हैं. बट मैं ना यहाँ पे क्या करूंगी, ऐसे रखूंगी एंड फिर अपने बीच में लगाऊंगी यहाँ पे एंड देन मैं इसे अप्लाई करूँगी. पहले मैं बिल्कुल इनर कॉर्नर से अप्लाई करूँगी, इनर कॉर्नर से अप्लाई नहीं करूँगी, सॉरी मैं मिडिल से अप्लाई करूँगी एंड देन मैं आगे जाके एक सिंपल सा थोड़ी सी, बिकॉज पतली टेप तो अच्छे से लग जा रहा है लाइनर. एंड आपको ना अपने हैंड शेक नहीं करने हैं, आप देख सकते हैं कितना सिंपल आईना लगा है, बिल्कुल पतला लगाया है. आप डिफरेंस देख सकते हैं ये वाली आइस की एंड मेरी ये वाली आइस की, देख सकते हैं गाइज आप लोग को भी. गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम आईलाइनर लगा रहे हैं तो आप ये ना समझिए कि जैसे मैंने लगाया बिल्कुल वैसे ही लगेगा, बट मेरी प्रैक्टिस है, मैंने प्रैक्टिस करी है आईलाइनर कैसे अप्लाई करते हैं. अगर आपकी फर्स्ट टाइम है बस आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको भी ईजी जैसे मैं लगाती हूँ वैसे लग जाएगा. बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आप घबराएं ना, बट आपको लगाना, अगर आपको सीखना है तो आप प्रैक्टिस करें. सो अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी आप लोग को विंग आईलाइनर कैसे अप्लाई करना है. विंग आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पर वही वाला लिक्विड आईलाइनर लिया है. मैंने ना यहाँ पर क्या करूँगी, पहले मैंने इसे आईलाइनर अप्लाई कर लिया, थोड़ा उसे ऊपर कोट करूँगी आईलाइनर को एंड देन जो मेरे ये बाहर वाली जो चीज़ होती है ना विंग, उसको एक्सटेंड करके अंदर लाऊंगी थोड़ा. ये देखिए गाइस स्वीट विंग क्रिएट हो गई, ये देख सकते हैं आप. ये सिंपल आईलाइनर है आपका, ये विंग आईलाइनर है. सो मैं इसको भी थोड़ा मोटा कर दूंगी जिससे कि ये भी विंग जैसा लगे आईलाइनर, देख सकते हैं गाइस ये एंड ये अब बिल्कुल सेम, ये होता है आपका विंग आईलाइनर. एंड गाइस अगर आप चाहें ना आप मोटा भी कर सकते हैं इसको, पतला भी कर सकते हैं, बिकॉज कुछ कुछ लोग होते हैं उन्हें मोटा पसंद होता है आईलाइनर, तो आप मोटा आईलाइनर अप्लाई कर सकते हैं. एंड जिन जिनको पतला आईलाइनर पसंद है तो आप पतला लगा सकते हैं. बहुत सिंपल है आईलाइनर अप्लाई करना, बट आपको प्रैक्टिस करनी है. तो प्रैक्टिस से हर चीज सक्सेस होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स ट्रू. सो आप प्रैक्टिस करें तो आपसे भी ऐसा बिल्कुल अच्छे से आईलाइनर अप्लाई कर जाएगा जैसे मैंने अप्लाई करा है. सो आई होप आप लोग के लिए गाइज वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अगर हेल्पफुल रही होगी सो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. लव यू गाइज, बाय गाइज.